अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू तरन्नुम किचन। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी और फटाफट आप इसे बना सकते हैं। कभी भी जब भी आपका दिल करे खाने का तब भी आप बना सकते हैं। रमज़ान का स्पेशल रेसिपी है, आप लोग फटाफट बनाएं इसे और इन्जॉय करिए इस रेसिपी को। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप सब पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है चिकन, तो चिकन के यहाँ बोनलेस चिकन मैंने लिया है। तो यहाँ पे आप इस तरह से चिकन को लीजिए और इस तरह से आप छोटे छोटे पीस में इसको कट कर लीजिए। इस तरह से हमने कट कर लिया, तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम चिकन लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में पे सबसे पहले हम डालेंगे, यहाँ पे मैंने लिया है जीरा पाउडर, यानी भुना जीरा पाउडर है ये 1 टीस्पून। अब डालेंगे इसमें हम 1 टीस्पून डालेंगे, इसमें हम चाट मसाला पाउडर डाल देंगे, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो आप ज़रूर डालें चाट मसाला पाउडर। इसके बाद हम डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून डाल देंगे, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें मिर्ची पाउडर, यानी कि ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये। अगर आप चाहें तो नॉर्मल मिर्ची भी डाल सकते हैं, आप आपको तीखा जितना पसंद है उस हिसाब से डालें। इसके बाद हम डालेंगे इसमें काली मिर्च पाउडर, इसे क्रश करके डाल देंगे। अगर आपके पास है पाउडर काली मिर्च का तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच डालेंगे इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें 2 बड़े चम्मच इसमें डालेंगे हम सॉस, तो ये चिल्ली सॉस है। अगर आपके पास चिल्ली सॉस नहीं है तो आप टमाटर सॉस डाल सकते हैं। अगर नॉर्मल सॉस डालेंगे वो तो तीखा नहीं होता है, तो आप मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच आप बढ़ा के डाल सकते हैं। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1/2 नींबू का रस डालेंगे, और रस डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी इसमें हमने नमक नहीं डाला है, पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसमें चिल्ली सॉस है उसमें नमक भी होता है, चाट मसाला भी है, तो इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ जैसे कि देख रहे हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद हम थोड़ा नमक डाल देंगे अपने हिसाब से थोड़ा सा, तो यहाँ पे अपने हिसाब से डाल दीजिए टेस्ट के हिसाब से। इसके बाद हम मिक्स करके 2 से 3 घंटे डाल देंगे मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में। तो यहाँ पे 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, अब यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं मैरिनेट हो गया अच्छे से, और अब इसे हम इसकी तैयारी करेंगे। तो आगे चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या करना है आगे। तो चलिए फटाफट लेते हैं हम, यहाँ पे मैंने लिया है, यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिया है मैदा, और हम लेंगे ब्रेड क्रम भी ले लेंगे, तो ये हमने घर में तैयार किया है। और हम लेंगे एक प्लेट, गहरे प्लेट में हम डालेंगे एक अंडा में डाल देंगे हम, यहाँ पे हल्का सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें मैंने यहाँ पे लिया है मिर्ची पाउडर, तो ये भी हल्का सा डाल देंगे हम, जिससे हल्का सा टेस्ट आएगा तीखापन का। और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें थोड़ी सी डालेंगे यहाँ पे दूध, जिससे अंडे का स्मेल नहीं आता है दूध से, तो आप थोड़ा सा दूध डाल दें आप अंडे में। और इसके बाद हम डाल देंगे थोड़ा सा काली मिर्च डाल देंगे हम, क्रश करके थोड़ी सी डाल देंगे, आप चाहें तो ओवर भी कर सकते हैं, अब थोड़ा सा पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अंडे को। अब हमने लिया है यहाँ पे एक स्टिक है, तो स्टिक को मैंने यहाँ पे पानी में 5 मिनट के लिए फूलने के लिए रख दिया था, जिससे कि हम फ्राई करेंगे तो स्टिक अच्छे से फ्राई होगा और जलेगा नहीं। तो इस तरह से आप 5 मिनट के लिए रख दें, और इसके बाद हम एक एक करके इसमें चिकन के जितने भी पीस है वो हम डाल देंगे। तो एक एक करके डाल दीजिए चिकन के पीस अब इसके अंदर स्टिक के अंदर, और थोड़ी से जगह बना के डालेंगे जिससे अच्छे से फ्राई हो और अच्छे से बीच में भी अच्छे से गल जाए, अच्छे से फ्राई हो। तो इस तरह से हम डालेंगे, और बाकी के जितने भी हम स्टिक में चिकन जितने भी चिकन बचे हैं वो हम डालकर इस तरह से रेडी करके रख लेंगे। तो देखा आप सबने कितनी आसानी से बन गया ये चिकन स्टिक। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाइए अपने घरों में फटाफट, आप कभी भी जब भी आपका दिल करे तो आप बना सकते हैं चिकन स्टिक। इस तरह से फटाफट बनाइए, और पहले सबसे पहले चिकन स्टिक को पहले मैदे में यहाँ कोट करेंगे हम। तो यहाँ पे हम लिया है मैदा, और मैदा में पहले इसको अच्छे से कोट कर लेंगे, और इसके बाद मैदे में कोट करने के बाद हमने जो अंडा घोल तैयार किया है अंडा का, वो हम घोल में हम इसको अच्छे से इसको लपेट लेंगे अच्छे से, इस तरह से अच्छे से अंदर तक चला जाए अंडे का घोल। और इसके बाद हम जैसे कि देख रहे हैं इसके बाद हमने जो लिया है ब्रेड क्रम, तो वो ब्रेड क्रम में हम इसके बाद हम अच्छे से इसको कोटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से ब्रेड क्रम में लीजिए और अच्छे से कोटिंग कर लीजिए इससे, अब ये अच्छे से कोटिंग होगा, ऐसे ऐसे क्रिस्पी बनेगा ब्रेड क्रम से। तो आप ज़रूर आप ट्राई करिए, अगर ब्रेड क्रम नहीं है आपके घर में तो आप 1-2 ब्रेड आप लेके मिक्सी जार में आप पीस के बना सकते हैं ब्रेड क्रम। तो इसके बाद जैसे कि देख रहे हैं इस तरह से आप रेडी कर लेंगे सभी चिकन के स्टिक को, और इसके बाद हम फटाफट लेंगे मैदा में फटाफट कोटिंग करेंगे, उसके बाद हम अंडे में डिप करेंगे, और इसके बाद हम ब्रेड क्रम में अच्छे से लगाकर इसे रेडी करके रख लेंगे। तो रेडी करिए और फटाफट इसे फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सब मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो हमारा यहाँ पर तैयार है चिकन स्टिक अब फ्राई करने के लिए, तो चलिए फटाफट इसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल लिया है, तेल को हल्का सा गर्म किया है, तो ज़्यादा हीट नहीं करना है तेल हमें, हल्का सा मीडियम गर्म करना है। और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें चिकन स्टिक डाल देंगे, तो इसमें हम डालेंगे एक एक करके चिकन स्टिक डाल देंगे, और इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। अच्छे से इसे हमें गैस का फ्लेम मीडियम रख के फ्राई करना है। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर हल्का सा
नीचे की साइड यहाँ पे फ्राई हो चुका है, तो इसे हम पलट लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा फ्राई हुआ है एक साइड में। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो एक एक करके पहले पलट लेते हैं। तो इस तरह से पलटिए और अच्छे से फ्राई कर लीजिए इस तरह से। और फ्राई करते समय आप गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा, हाई बिल्कुल भी ना हो, जिससे चिकन अच्छे से, फ्लेम कम रहेगा तो चिकन अच्छे से अंदर तक गल जाएगा अच्छे से, बाहर से भी कलर बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा चिकन स्टिक तो फ्राई हो चुका है अच्छे से, अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो एक पेपर प्लेट पे अच्छे से निकाल लीजिए और इसके बाद हम एक एक करके जितने भी है हम वो फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे, देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, एकदम अच्छे से फ्राई करिए आप। तो ये रिजल्ट तभी आएगा जब गैस का फ्लेम कम रखेंगे आप, अच्छे से कम करके फ्राई करिए। तो एक एक करके हम निकाल लेंगे, अब बाकी के जितने भी चिकन स्टिक है वो भी हम इसे डालकर तेल में फ्राई कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे बचा हुआ है चिकन स्टिक, तो हल्का हल्का साइड से गैप करेंगे और फटाफट इस तरह से तेल में डालेंगे और फ्राई करेंगे। गैप करने से अच्छे से अंदर तक अच्छे से फ्राई होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे फटाफट डालेंगे और इसे फ्राई करके निकाल लेंगे। तो बस हम रेडी है हमारा बनकर, इस तरह से आप रेडी कर लीजिए। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को, बहुत फटाफट बनने वाला रेसिपी है। इतनी ईजी रेसिपी है कि मैं तो कहती हूँ कि आप सब आज ही बना लीजिए इसे, फटाफट अफ्तारी में रखिए इसे और गर्मा गर्म खाइए इसे और इसका लुफ्त उठाइए। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे भी ढेर सारा प्यार दीजिए। अल्लाह हाफिज़।